दोस्तों शाहरुख़ गुरुवार को अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को चीयर्स करने के लिए कोलकाता गिडन गार्डन स्टेडियम में पहुंचे। आईपीएल 2023 के 9वें मैच के लिए टीम आरसीबी से भिड़ी। इस इवेंट से कई फोटोज वीडियो सामने आई है। वीडियो में शाहरुख खान पठान के गाने झूमेजो पठान का हुक स्टेप करते देखे जा सकते हैं। उन्हें ऑल ब्लैक लुक में देखा गया। एसआर के ब्लैक हुडी जॉगर पैंट पहने हुए थे। इस लुक में वे हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस भी लगाए थे। एक्टर ने झूमेजो पठान ट्रैक पर केवल कुछ ही सेकंड के लिए डांस किया। स्टेडियम का माहौल पूरा जोश उत्साह से भरा हुआ देखा गया। सोशल मीडिया पर ये शाहरुख खान के वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही उन्हें अपने फैंस की तरफ हाथ हिलाते हुए देखा गया। जैसे ही शाहरुख खान ने अपना हाथ ऊपर उठाया, फैंस ने तुरंत इस मोमेंट की फोटो खींच ली। शाहरुख खान ने स्टेज से ही अपने फैंस को फ्लाइंग किस भी दी। वीडियो में न सिर्फ स्टेडियम में खेले जा रहे ट्रैक की आवाज सुनाई दे रही है, बल्कि दर्शकों की जोरदार तालियां भी सुनाई आ रही है। शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, उनकी करीबी दोस्त संजय कपूर, महिमा कपूर की बेटी शनाया कपूर भी नजर आ रही है। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के को ऑनर है। शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी अन्य लोगों के साथ टीम की मालिक है। उन्हें भी मैच के स्टेडियम में देखा गया है। मैच की शुरुआत आरसीबी ने टॉस जीतकर की। उन्होंने पहले क्षेत्र रक्षण करने का विकल्प चुना। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस के दौरान कहा, टॉस की वजह से मैं गेंदबाजी भी करना चाहता हूँ। वही दोस्तों पठान की सफलता के बाद शाहरुख खान साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ अपनी फिल्म जवान में दिखाई देंगे, जो की 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में दोस्तों शाहरुख खान के अलावा विजय सेतुपति, संजय दत्त और दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है। साथ ही दोस्तों एसआरके के पास राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी भी है, जो कि इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है। दूसरी ओर सुहाना खान जोया अख्तर की द आर्चीज के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेगी, जिसमें खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा भी है। बेधड़क से शनाया कपूर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर दोस्तों आप भी शाहरुख खान के फैंस है तो ऐसे ही शाहरुख खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।